देखिए ये बहुत बड़ा गेम प्लान है और हम इसकी पूरी गहराई तक जा रहे हैं। हर आदमी के हाथ में लाठी थी, लाठियां वहां पे फ्री बट रही थी, किसी ने व्यवस्था की है लाठियों की। जो जो हमें जानकारियां मिल रही हैं, जैसे ये सारी प्री प्लान करके गोलियां चलाई गई, पहाड़ों पे चढ़ के गोलियां मारी गई और छतों पर पत्थर इकट्ठे किए गए, वो सारा हम एक एक की जानकारी ले रहे हैं। बुलडोजर भी एक दवाई है, वो भी जहाँ ज़रूरी होगा हम चलाएंगे। मैंने सभी पत्रकार बंधुओं से भी प्रार्थना की है कि जो उस वक्त कवरेज कर रहे थे कि उनके पास जो भी फीड हो वो हमारे अधिकारियों को दें। जो जांच हो रही है ये सारी बिल्कुल लग रहा है, ये जो सारी जांच हो रही है इस प्रकार से, जिस जंग की प्लानिंग की गई, जिस प्रकार से मोर्चेबंदी की गई, जगह जगह पर मंदिर के ऊपर पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर मोर्चे बनाए गए, एंट्री पॉइंट्स पर मोर्चे बनाए गए, ये बिना योजना के थोड़ा होता है, ये अकस्मात थोड़ा होता है। हर आदमी के हाथ में लाठी थी, लाठियाँ वहाँ पर फ्री बट रही थी, किसी ने व्यवस्था की है लाठियों की, गोली चली है, गोलियाँ वैसे ही लोगों ने रखे हुए हैं, हथियार कोई ना कोई लेके आया हथियार, तो ये सारा प्लानिंग के साथ हुआ है। ये देखिए ये बहुत बड़ा गेम प्लान है और हम इसकी पूरी गहराई तक जा रहे हैं। इंटरनेट सब तक बाहर कर दिया जाएगा। नहीं देखिए वी शुड नॉट रश टू एनी अर्ली कंक्लूजन, सारी चीज़ें बात करेंगे और फिर करेंगे। मैं कभी बिना मतलब ऐसे कभी किसी पे वो नहीं करता। हमारी पुलिस इस सिद्धांत पर काम कर रही है कि एक भी निर्दोष को सजा ना मिले और एक भी दोषी छूटे ना, कोई भी हो जाए। जो जो हमें जानकारियां मिल रही हैं, जैसे ये सारी प्री प्लान करके गोलियां चलाई गई, पहाड़ों पे चढ़ के गोलियां मारी गई और सारा कुछ किया गया और छतों पर पत्थर इकट्ठे किए गए, वो तो सारा हम एक एक की जानकारी ले रहे हैं और उन सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो बुलडोजर चलाया गया है झुग्गियों के ऊपर, तो क्या झुग्गियों के ऊपर ही चलेगा या कहीं और भी जो दोषी पाए जाएंगे उनके संपत्ति भी तोड़ी जाएगी? देखिए ऐसा है, इसमें हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं और जिसमें जैसे जैसे जिसके ऊपर केस बनता है उसको इलाज करेंगे और इलाज में बुलडोजर भी एक दवाई है, वो भी जहाँ जरूरी होगा हम चलाएंगे। अच्छा, हमने प्री प्लान था तो मास्टरमाइंड का पता चला क्या अभी तक? नहीं, देखिए अब जैसे जैसे चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग बता रहे हैं, लोगों के बयान हो रहे हैं और सारी जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाली जा रही है। मैंने सभी पत्रकार बंधुओं से भी प्रार्थना की है कि जो उस वक्त कवरेज कर रहे थे कि उनके पास जो भी फीड हो वो हमारे अधिकारियों को दें, और बाकी भी जो लोग यात्रा में थे उन्होंने भी मोबाइल में काफ़ी लोगों ने बनाई हुई है, दे शुड कम फॉरवर्ड और आकर बताना चाहिए कि ये हमने रिकॉर्ड किया है और उसके आधार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। कल के एसपी का तबादला कर दिया गया है और भिवानी भेज दिया गया है, भिवानी वाले एसपी की पहले ही ड्यूटी लगाई हुई थी, क्या कारण रहा कि वो? देखिए ये जो भिवानी वाले एसपी जिनको नू में लगाया गया है वो पीछे काफ़ी एक दो साल से नू में रहे हैं और अब क्योंकि नू के एसपी सिंगला साहब छुट्टी पर गए हुए थे, जब हादसा हुआ तो तब उनको वहाँ पर बुला लिया गया था, तो अच्छी प्रकार से व्यवस्था हो सके इसलिए उनको ही अब परमानेंट वहाँ का एसपी लगा दिया गया है। बिशप, होम सेक्रेटरी कल कह रहे थे कि हमारे पास पहले ही इनपुट्स थी और जो पीस कमेटी से साथ डिस्कस की थी, तो क्या कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि सीआईडी इंटेलिजेंस फेलियर भी था, और अगर पहले इनपुट्स थी तो एक्शन क्यों नहीं लिया था? देखिए किसके पास इनपुट थी, किस लेवल की इनपुट थी, किसको बताया गया, हम इसकी जांच कराएंगे। देखिए इतने बड़े मामले हैं बिना जांच के किए नहीं जाते और हमारी सरकार ऐसे काम करती नहीं है, अंधाधुंध काम करती नहीं है, तो उसका मैंने जांच कराने के लिए कह दिया है कि किस स्तर पर इन्फॉर्मेशन थी, किसको इन्फॉर्मेशन थी, अगर उसको थी तो उसने कहाँ तक बताई, किसको बताई, किस लेवल के अधिकारी को बताई, वो सारी जांच करनी पड़ेगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।